अब हम लर्न करेंगे एक्सट्रूड कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सॉलिड टैब में जाएंगे एंड सॉलिड पैनल से हम एक्सट्रूड कमांड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम होम टैब में जाएंगे एंड मॉडलिंग टैब से हम एक्सट्रूड कमांड स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सट्रूड कमांड स्टार्ट करेंगे हम, इससे पहले मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक पॉलीलाइन से मैं कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा लाइक दिस, बट इट शुड बी क्लोज्ड इन अ सिंगल लूप। जैसे ये सिंगल लूप में है, ये भी हमारे पास सिंगल लूप में है। अगर मैं लाइन से एक सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो हमारे पास क्लोज तो है बट एक सिंगल लूप में हमारे पास नहीं है। मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पॉलीलाइन से, जो एक सिंगल लूप में है बट क्लोज नहीं। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्सट्रूड जब हम सॉलिड यूज करेंगे तो उसके लिए मुझे सिंगल लूप चाहिए और क्लोज चाहिए। सिंगल लूप और क्लोज्ड ये मुझे चाहिए, तभी मैं सॉलिड एक्सट्रूड कर पाऊंगा। अदरवाइज हम एक्सट्रूड करेंगे तो उसको सरफेस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड ले रहा हूँ, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर एंड स्पेसिफाई द हाइट। अभी मैं हाइट दूंगा उसको 10 लाइक दिस। सेकेंड इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एक्सट्रूड लिया मैंने, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर एंड स्पेसिफाई द हाइट। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हैं वो सॉलिड में बने हैं। बट इनकेस अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ, अब मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास सॉलिड में ना बन के सरफेस में बनेंगे, बिकॉज ये क्लोज तो है बट एक सिंगल लूप नहीं है। ये हमारे पास सिंगल लूप है बट क्लोज नहीं है, इसलिए भी ये सरफेस में ही हमारे पास एक्सट्रूड होगा, अंदर से होलो रहेगा। अब हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक सिंगल लूप भी है हमारे पास और क्लोज भी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसको सरफेस में बने, तो हम एक्सट्रूड कमांड लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मोड है, मोड कमांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हाईलाइट होंगे, एक सॉलिड एंड सेकेंड इज सरफेस। मैं सॉलिड बनाना चाहता हूँ तो सॉलिड पे क्लिक करूंगा, नहीं तो सरफेस बनाना चाहता हूँ तो सरफेस पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, और अब ये सरफेस हमारे पास एक्सट्रूड होगा। उसके बाद है हमारे पास, अगेन मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट द एक्सट्रूड कमांड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन, पाथ, टेपर और एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन लेता हूँ, किस डायरेक्शन में मुझे एक्सट्रूड करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए डायरेक्शन देता हूँ, कुछ टेपर में जाएगा हमारे पास लाइक दिस। उसी डायरेक्शन में उसको एक्सट्रूड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एक्सट्रूड, मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ पहले। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास डायरेक्शन, अगर मुझे डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन मैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे एक डायरेक्शन बनाऊंगा। मैं राइट फेस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमें अभी हमारे पास वाई और जेड है, मुझे यहाँ पे एक्स और वाई बनाना है, बिकॉज जब तक हमारे पास एक्स या वाई नहीं होगा हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। देन मैं व्यू लेता हूँ यहाँ पे, एक्स एंड वाई यहाँ पे आ गया एंड देन सिलेक्ट डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन के अंदर इसको एक्सट्रूड करना है। मैं इस डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ, मैं पाथ भी इसको एज ए पाथ भी कंसिडर कर सकता हूँ। लाइक मैं भी यहाँ पे एक्सट्रूड ले रहा हूँ, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, नाउ स्पेसिफाई द डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, देन कंट्रोल जेड, अंडू कर रहा हूँ, अगेन एक्सट्रूड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, देन स्पेसिफाई द पाथ, मुझे इस पाथ के ऊपर इसको एक्सट्रूड करना है।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रूड लूंगा यहां पे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, टेपर, मुझे कितना इसको टेपर करना है, मैं टेपर एंगल दूंगा यहां पे, टेपर एंगल मैं उसको 5 डिग्री दे रहा हूं, देन प्रेस एंटर, ये 5 डिग्री एंगल इसको टेपर कर देगा, जितनी भी मुझे हाइट देनी है वो 5 डिग्री टेपर में उसको बनाएगा, लाइक दिस। तो इस तरह से हम अपनी एक्सट्रूड कमांड को यूज कर सकते हैं।